हाँ सर, तोते का इतना नुकसान है सर कि इधर से उड़ाते हैं उधर बैठ जाते हैं, और फिर इधर से उड़ा उधर, और उन बच्चों को भी बुलाना पड़ता है घर से, और उसको दो चोंच में लगा के ना उड़ जाते हैं, उसको लेके तोड़ के ना उधर भग जाते हैं, इधर से उधर इधर से उधर। तोते बहुत नशेड़े होते हैं, उनको आदत पड़ जाती है तो वो इधर से उधर उड़ के ना बैठ जाते हैं, परेशान करते रहते हैं दिन भर। तोतों का एक स्वभाव है कि इस फसल पर जो है मैक्सिमम अटैक करते हैं, क्योंकि ये फसल एक ऐसी फसल है जिसके अंदर अल्कलाइड्स प्रॉपर्टी होती है, स्टेराइड्स प्रॉपर्टी होती है, और इसकी इन अल्कलाइड्स और स्टेराइड के कारण जो स्टिमुलेशन बॉडी में होता है। सरकार ने अफीम का लाइसेंस दे रखा है तो हमने अफीम बोई है, तो तोते का नुकसान बहुत है, और तोते अफीम डोले आ जाए उसके बाद में दूसरी फसल कोई खाते ही नहीं, अफीम ही खाते हैं। डेकनी से एक इधर से चोंच मारी, एक इधर से मारी, ने खटाक से पूरा पूरा उठा के ले आ जाते। इसकी ये जीन कोड में ये आ गया है कि जो है इसका टेस्ट इतना डेवलप हो गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये इसके जो है तोते अटैक करते रहते हैं अफीम की फसल पर, और इसका जो टेस्ट है इसको डेवलप हो गया है। 40-45 साल तो हमें हो गए तोते देखते भगाते भगाते, लेकिन अब आगे भी भगाएंगे, उनके बच्चे भी आते हैं, बहुत सारे टोरे टोरे भी आते हैं, और अफीम जब चीरते हैं तो एक एक बूंद अवेड़ना पड़ती है, और एक एक बूंद लेके ना वो उनको कोई देते हैं, अफीम गोदाम वालों को देते हैं। तोते को यहाँ निगरानी करनी पड़ती है सुबह 6 बजे से शाम को 7 बजे तक, और अगर तोते घूम एक नहीं तो कम से कम 10-15 आते हैं एक एक के साथ, और कभी कभी 4-5 में आते हैं तो 10 सेकंड में तोड़ के भग जाते हैं।